नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश के साथ बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जी हाँ दोस्तों, क्लासिफाइड ग्लोसरी के बारे में जानेंगे। यानी कि दोस्तों कह सकते हैं कि वर्गीकृत शब्दावली के अंतर्गत जो भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो सेक्शन बच चुके हैं, वैसे में आप एक और सेक्शन को देख रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अगर आप नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए आने वाली वीडियो को, वीडियो पसंद है लाइक और शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए इस वीडियो में जो है दोस्तों हाउस होल्ड्स गुड्स के बारे में बात होगी। जी हाँ, हाउस होल्ड गुड्स यानी घरेलू साज सामान, घरेलू घर के साज और सामान, यानी घर में जो सजाए जाते हैं या जो घर में यूज़ किए जाते हैं, कुछ ऐसे ही नामों की चर्चा होगी जिसका आप यहाँ देखेंगे हिंदी उसका जो है क्या उच्चारण होता है और उसका अर्थ हिंदी में क्या है, मतलब इंग्लिश जो है इंग्लिश का उच्चारण और उसका हिंदी अर्थ। तो चलिए पहला है दोस्तों, एक्चुअली पूरा लिस्ट है, आप धीरे धीरे देखेंगे। अलमीरा, अलमीरा, ठीक है। यहाँ स्पेलिंग देखिए, ए एल अल मीरा, जिसमें एच लगा हुआ है। गलती से लोग एच नहीं लिखते हैं तो ध्यान दें कि एच को लिखना होता है। अलमीरा, अलमीरा हिंदी में अलमारी बोलते हैं, अलमीरा को हिंदी में अलमारी बोलते हैं। दूसरा देखिए दीवान। अब ये दीवान क्या है? दीवान वो जो राजा महाराजाओं के यहाँ जो हिसाब किताब रखते, तो वो दीवान नहीं। तो दीवान का मतलब होता है एक कह सकते बेड या कह सकते हैं पलंग, जो कि बॉक्स के आकार का होता है और जो कि साइड से ही खुल जाता है, मतलब पूरा ओपन करने की जरूरत नहीं होता, खुल जाता है, जिसके आगे पीछे जो बहुत ऊंचा नहीं करता, एकदम एडजेक्ट कह सकते हैं, बराबर बराबर रहता है दीवान। फिर देखिए हर्थ क्या होगा? उच्चारण हर्थ। अच्छा देखिए स्पेलिंग हर्थ क्या होगा? हर्थ। अंगीठी, अभी अंगीठी क्या होता है? जो चूल्हा आप समझते होंगे गाँव में, हर्थ अंगीठी। मिरर, मिरर डबल आर है, मिरर ओ आर को अर बोलते हैं, एक पढ़ने का ये भी तरीका अर। मिरर मीन्स आईना, या आईना की बोलते हैं ना नेक्स्ट, या दर्पण भी बोलते हैं। आयन यानी आयरन क्या होगा? स्त्री, जिससे हम लोग कपड़ा को जो भी जो रिंकल से रहता है उसको हटाते हैं, रिंकल ठीक है, तो वो आयरन करते हैं हम लोग पहनते हैं, जिससे कपड़े की लाइफ भी बनी रहती है और चमक भी हो जाती है। ये देखिए मोटर, मोटर, मोटर एक्चुअली मोटर है, ये आर जो यहाँ पर ले सकते हैं आप, ये आधा आर है। मोटर यानी ओखली, अब उन्हें गाँव में देखा होगा ओखली, और ये ओखली जो है तो एक जो है लंबा सा, उसको आप तो क्या पता क्या बोलते हैं, उससे जो है कूटा जाता है, एक्चुअली धान वगैरह चाव को कूट कर धान और भी बहुत बहुत सारे चीज़ को निकालते हैं, तो ओखली। फ्यूल, फ्यूल का मतलब होता है ईंधन। ये आप बताइए दोस्तों कि आपके जितने लोग देख रहे हैं कितने घरों में ओखली है? हमारे घर में तो ये ओखली है, क्या आपके घर में है? चलिए नेक्स्ट देखिए दोस्तों, फ्राइंग पैन, फ्राइंग पैन कढ़ाही, फ्राइंग पैन कढ़ाही, तो कढ़ाही आप फ्राइंग पैन, पैन तो होता ही, आप देखते होंगे कि पैन जो होता है ऐसे करके और एक ऐसे करके ऐसे होता है और ठीक है, तो ये जो है लाल समझ सकते हैं कि छोटा सा रहता है, गहरा रहता है थोड़ा सा, बड़ा भी रहता है फ्राइंग पैन। लैडल, ये बहुत ही काम की चीज़ है इसको, क्योंकि करछुल, कलछुल भी लोग बोलते हैं, करछुल आप खोज पूछते रह जाएं तो घर की महिलाएं को तो पता ही नहीं है, किसी को भी नहीं पता था, लैडल याद रखिए इसको, लैडल, लैडल मिल करछुल, कलछुल, इसी से दाल वगैरह सब्जियां वगैरह निकाली जाती है ना, तो खासकर दाल या लिक्विड वाले चीज़ को निकालते हैं लोग। फिर देखिए अर्थ, अर्थेन लैम्प, तो यहाँ लैम्प लिख लीजिए, एल ए एम पी लैम्प, अर्थेन लैम्प का मतलब होता है दिया, दिया। नेक्स्ट मिल्क पॉट, मिल्क पॉट एक साथ दूध दानी, इसमें दूध रखते हैं, कर्ड, कर्ड, कर्ड का मतलब क्या होता है? दही, मिल्क मीन्स दूध होता है ना, कर्ड का मतलब दही। नेक्स्ट है सॉस पेन, सॉस पेन, सॉस पेन, सॉस पेन, सस्पेन बोल लोग देते हैं, अब सॉस पेन जो है सस्पेन बन गया है, सस्पेन लाओ, सस्पेन लाओ, सस्पेन, सस्पेन बोलते हैं, सस पेन, जो कि उच्चारण में पहले से लोग बोलते आ रहे हैं लेकिन सही उच्चारण है सॉस पेन, स्पेलिंग देखिए सॉस पेन, सॉस पेन यानी डेकची,
डेक्ची क्या होता है? एक ऐसे करके रहता है और ये अभी छोटा बड़ा सब हो सकता है, ये होता है डेक्ची, जिसमें चावल वगैरह और भी बहुत हलवाई लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं डेक्ची। नेक्स्ट है टूथ पिक, मीन्स दंत खोदनी, खाने के बाद दांत लोग खोदते हैं अलग अलग जगह में, गांव में जो है सिक की तरह जो है पेड़ के बहुत सारे पत्तों से बनाया लिया जाता है दंत खोदनी, जो कि खाना खाने के बाद जो कुछ फंसता है उसको निकालते हैं टूथ पिक। अब देखिए यहाँ ट्विग ब्रश यानी दातुन, ट्विग ब्रश, ट्विग ब्रश मीन्स दातुन। नेक्स्ट है थ्रेड, थ्रेड का मतलब धागा, थ्रेड, थ्रेड मीन्स धागा, सुई धागा समझ सकते हो, धागा जिससे कपड़ा सिलाई होता है। कैनिस्टर, कैनिस्टर मीन्स कंस्टर, कनस्तर बड़ा होता है बर्तन की नुमाइए। कॉम्ब, कॉम्ब मीन्स कंघी, कॉम्ब, कॉम्ब मीन्स कंघी, तो ब भी लगा लीजिए, कॉम्ब, कॉम्ब आप ऐसे भी लिख सकते हैं कॉम्ब, लेकिन कॉम्ब पढ़िए। पेपर मीन्स कागज, बुक अर्थ होता है किताब। नेक्स्ट देखिए एक्स, एक्स कुल्हाड़ी, केटल, केटल मीन्स होता है केतली जिसमें चाय दी जाती है। अब ये चाय का बर्तन इस तरह से शायद होता है, मुझे शायद बनाने नहीं आए तो, लेकिन फिर भी आप समझ सकते हैं कि इस तरह से होता है और यहाँ से जब पकड़ कर लोग दे देते हैं, एक ढक्कन भी लगा रहता है, यहाँ पर ढक्कन लगा रहता है उसमें से ऐसे रहता है केतली। क्रीम का मतलब क्रीम होता है इंग्लिश वर्ड, या आप मक्खन भी कह सकते हैं लेकिन बटर मीन्स मक्खन होता है। चेयर, कुर्सी, फोक, कांटा, अब लोग क्या बोलते हैं, कांटा ही बोलते हैं, कांटा लाओ, अब चम्मच भी लोग बोलते हैं इसको। फोर्क जो आप देखते होंगे किस तरह से निकला निकला रहता है और लोग जो है इसी से चाउमीन वगैरह खाते हैं। फोक, ग्लास, ग्लास का हिंदी हो जाता है गिलास, एक्चुअली ग्लास ही जो है अंग्रेजी वर्ड है और हम लोग ग्लास ही बोलना चाहते हैं, लेकिन ये ग्लास जो है धीरे धीरे बिगड़ते हुए रूप गिलास हो गया है। नेक्स्ट देखिए फनल, फन नल यानी कीप, है ना, कीप। कीप नेक्स्ट देखिए पिचर मीन्स घड़ा, पिचर का मतलब होता है घड़ा। वॉच घड़ी, पेस्ट्री बोर्ड मीन्स चकला, पेस्ट्री बोर्ड मीन्स चकला जिस पे पेस्ट्री बनाया जाता है, बड़ा सा एक होता है इसी पे जो है रख दिया जाता है कि केक को, और ये जो है घूमते रहता है, घुमाया जाता है मशीन से जिससे कि केक जो है इधर उधर अपना ड्राइंग वगैरह सब कर लेते हैं उस पर। अब देखिए स्पिनिंग व्हील यानी चरखा, समझ सकते हैं स्पिनिंग व्हील चरखा को, स्पेलिंग देखिए डबल एन के साथ है। की मीन्स चाबी, लोग चाबी बोलते हैं लेकिन चाबी होता है शुद्ध। टीपोट का मतलब होता है चायदानी, टीपोट जिसमें चाय रखा जाता है। कॉट मीन्स होता है चारपाई, अब ये खटिया को कॉट बोला जाता है या क्या मुझे नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन चारपाई। टोंग्स मीन्स चिमटा, है ना, रोटी को उलटने पलटने में ये काम आता है, कुछ चीज़ को पकड़ने में काम आता है, बर्तन को चूल्हे पे जब रखा जाता है। तो मैट मीन्स होता है चटाई, उसके बाद स्पून चम्मच, स्टोव चूल्हा, है ना, चूल्हा स्टोव है। सीव ये बहुत काम की, चलनी, चलनी, चलनी को क्या बोलते हैं, सीव, चलनी क्या बोलते हैं, सीव। आप हिंदी को देख कर इंग्लिश को समझ सकते हैं कि इस हिंदी का इंग्लिश क्या होता है, ऐसे भी। बेडशीट मीन्स चादर। नेक्स्ट देखिए चिमनी, हर घरों में आजकल प्रयोग हो रही है लगातार धुएं से बचने के लिए, चिमनी, चिमनी। ब्रूम मतलब झाड़ू, है ना, ब्रूम झाड़ू, डे बाय डे मतलब हर घर की चीज़ है ये झाड़ू, ब्रूम। स्विंग मीन्स झूला, स्विंग मीन्स झूला। नेक्स्ट है स्टिक,
स्टिक मीन्स छड़ी। तो ये स्विंग बच्चों के काम की चीज़ है ना, इस तरह से जो है बना रहता है और यहाँ से बच्चे स्विंग कर जाते हैं। थोड़ा सा मुझे टेढ़ा बन है तो ये है, कह सकते हैं स्विंग। नेक्स्ट देखिए अम्ब्रेला, अम्ब्रेला मीन्स छाता, छतरी लोग बोलते हैं। कॉबवेब, कॉबवेब मीन्स जाला। टब, टब का मतलब टब होगा। बास्केट मीन्स टोकरी। डेस्क का मतलब होता है डेस्क। बॉक्स का मतलब होता है तो डब्बा या डिब्बा। नेक्स्ट देखिए लीड, लीड बेसिक वर्ड्स के लिए आप इधर उधर नहीं जाएं क्योंकि हर एक तरह के वर्ड्स आपके सामने आएंगे, आते रहेंगे और हो सकता है बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ जानते हो लेकिन ऐसा भी है कि कुछ वर्ड्स नहीं जानते हो, तब वहाँ फंसेंगे। जैसे मैंने लैडल बताया, करछुल को, चलनी को सिप बताया, बहुत कम लोग जानते हो। लिड मीन्स ढकना, ढकना है। पिलो का मतलब होता है तकिया, पिलो कवर यानी तकिए का गिलाफ। गिलाफ का मतलब क्या होता है तो कवर जो है, हम लोग गिलाफ बोलते भी कहाँ हैं, हम लोग बोलते हैं कवर लाओ। सेंसर मीन्स होता है धूपदानी, सेंसर धूपदानी। टैप मीन्स होता है नल, नल बोला जाता है नल। पैन का मतलब होता है पतीला। प्लान, प्लानविन है ना, प्लानपिन। तो ये तो प्लानपिन का मतलब होता है पालकी। फूट मैट पायदान। बेड स्टिड, बेड स्टिड पलंग। देखिए पलंग, पलंग का क्या नाम है, हम लोग तो बेड ही बोल जाते हैं ना बेड, लेकिन बेड स्टिड नाम है पलंग को, बेड स्टिड पलंग। नेक्स्ट देखिए एस्पीटून, पीक दान। नेक्स्ट देखें बाउल, बाउल प्याला है ना, प्याला। नेक्स्ट है तो क्रैडल मीन्स पालना, पालना मीन्स क्या होगा, पालना का क्रैडल। साउसर मीन्स पीरच। नेक्स्ट है तो प्लेट मीन्स होता है प्लेट, प्लेट को प्लेट बोलेंगे। और चैंडेलियर, चैंडेलियर मीन्स फानुस, फानुस। फ्लावर वेज, फ्लावर वेज मीन्स फूलदान, जैसे फूल रखा जाता है। पर्स बटुआ। पॉट मीन्स बर्तन, बर्तन। बल्ब, बल्ब का मतलब बल्ब होता है इलेक्ट्रिसिटी वाला। बकेट, बकेट मीन्स बाल्टी, बकेट। बाल्टी लोग बोलते ज़्यादातर, बकेट भी बोलते हैं, अब उच्चारण होता है बकेट। नेक्स्ट देखिए बेंच क्या होगा हिंदी, बेंच को बेंच बोलते हैं, पटल भी बोलते हैं है ना, पटल भी बोलते हैं बेंच को, इस पर बैठते हैं हम लोग। नेक्स्ट है रोलर, बेलन है ना, रोलर बेलन। कैसे बनेगा बेलन, है ना, बेलन। बॉटल हिंदी में बोतल बोलते हैं, बॉटल को हिंदी में बोतल बोलते हैं। बटन को बटन बोला जाएगा। विक को बत्ती, विक को बत्ती बोलते हैं। सैक मीन्स होता है तो बोरा, बोरा समझ रहे हो ना, बोरा लोग बोलते हैं, बोरा को बोरा बोलते हैं लेकिन बोरा होगा। पिसल, पिसल मीन्स मुशल। टेबल मेज। रीड चेयर मीन्स मोढ़ा, रीड चेयर मीन्स मोढ़ा, जिसपे ऐड सी बात है। कैंडल मीन्स होता है मोमबत्ती। तो चले नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। थोड़ा सा ये रहा दोस्तों बोल्स्टर। देखिए मसनद, मसनद क्या होता, तकिया को ही तो बोलते हैं ना बोल्स्टर, गोल वाला तकिया जो होता है वो हो गया बोल्स्टर, और चौड़ा वाला तो पिलो ही बोलते हैं, तो बोल्स्टर हो गया लंबा रहता है। चर्न स्टफ यानी मथानी। उस तरह से स्ट्रिंग, स्ट्रिंग मीन्स क्या होगा, स्ट्रिंग मीन्स क्या होगा दोस्तों,
बताइए, स्ट्रिंग मींस होता है रस्सी, रस्सी जो कि पतली होती है। देखिए अंतर हो जाता है। अब यहाँ देखिए आपने, आपके में दिमाग में कुछ कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कि भाई स्ट्रिंग कैसे बोलेंगे, तो जाहिर सी बात है, देखिए रोप जो होता है, रोप वो उसका मतलब होता है रस्सा। तो केरोसिन, केरोसिन मीन्स तो मीठी का तेल। अब देखिए रोप, रोप आ गया ना, रोप मीन्स होता है रस्सा, रस्सी नहीं रस्सा, अंतर है थोड़ा सा, रस्सी रस्सा। स्ट्रिंग मीन्स होता है रस्सी और रोप मीन्स होता है रस्सा, जो भी मोटा होता है और लंबा भी होता है। एस मीन्स होता है राख, ये सिगरेट के राख हो सकता है या और भी किसी चीज़ का। पेन मीन्स कलम। लैंटर्न, लैंटर्न, लैंटर्न मीन्स लालटेन, लैंटर्न। नेक्स्ट है लोटा, को लोटा ही कहा जाता है। सोरापंग, सोरापंग। लुंगी इंडिया में पहने जाने वाली है ना, एक पुरुष पुरुष कह सकते हैं, मेल का अब तो कंसेप्ट जो है हट रहा, धीरे धीरे ये हट चुका भी है, लेकिन साउथ इंडिया में भी लोग पहन रहे हैं, गांव में भी पहन रहे हैं सोरापंग। नेक्स्ट देखिए फाइल, बोलते ना एक फाइल लाओ, सी सी, सी सी होता मतलब, सोप मीन्स होता है साबुन। नेक्स्ट है तो सोफा का मतलब सोफा होगा। स्टूल का मतलब स्टूल होता है, लकड़ी का बना होता है, छोटा सा होता है। बॉक्स मीन्स होता है संदूक, बड़ा सा बॉक्स, संदूक। संदूक एक्चुअली बड़ा बड़ा सेंस में लिया जाता है, तो इसको याद रखें, ठीक है। संदूक। नट कटर सरौता और निटिंग, निटिंग स्टिक सिलाई, ठीक है सिलाई। ड्रेसिंग बॉक्स श्रृंगारदान। जग सुराही, निडल सुई। नेक्स्ट है पिंसर्स, पिंसर्स सड़सी, 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 सड़सी बोलते हैं सड़सी। हबल बबल, हबल बबल, यहाँ एच और यहाँ बी, बस यही डिफरेंसेस है, बाकी सब एक ही स्पेलिंग है, यू बी डबल बी एल ई, यू डबल बी एल ई, यानी हुक्का है ना, हुक्का, समझ सकते हो, का किसे बोलते हैं। स्केल मीन्स होता है तराजू। नेक्स्ट है तो पैन, पैन का मतलब है तबा। वायर मीन्स तार। सेफ, ये वायर इलेक्ट्रिसिटी वाला वायर है, तो सेफ मीन्स होता है तिजोरी, तिजोरी। प्लेटर थाली। मैच स्टिक, दिया सलाई। मैच बॉक्स, दिया सलाई की डिब्बिया जिसमें रखा जाता है, यानी जो स्टिक होती है जिसमें जो आप देखते होंगे जिसे माचिस हम लोग जलाते हैं, तो वो इसी को मैच स्टिक बोलते हैं, क्योंकि स्टिक है मैच स्टिक, अब वो मैच बॉक्स हो गया जिसमें रखा था। अब देखिए स्किट हसिया और है ओवन, तो दोस्तों ये है तंदूर। दोस्तों इस वीडियो में ही तक, बताइए वीडियो कैसा लगा, और सबसे इम्पोर्टेंट है अगर आपको अच्छा लग रहा है और भी बहुत सारे इसी तरह के ग्लोसरी यानी ना ग्लोसरी वाले आएंगे, और देखिए देखते रहिए, और डे बाय डे के ज़िंदगी में जो पर डे यूज़ होता है उसको, ऐसे वर्ड्स आपको जानना भी बहुत ज़रूरी है। दोस्तों इस वीडियो में ही तक, बताइए वीडियो कैसा लगा, अच्छा तो लाइक कीजिए, और वैसे सभी लोगों को शेयर कीजिए जिनको नहीं कुछ पता है घर के साजो सामान के बारे में। नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए घंटी को आने वाले वीडियो के लिए। प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना होगा, कुछ प्रीवियस वीडियो के लिंक यहाँ, यहाँ चैनल को सब्सक्राइब करने का एक लिंक यहाँ, प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ पर मिल जाएगा। दोस्तों इस वीडियो पर रहने के धन्यवाद, मिलते हैं वीडियो में, तो ध्यान रखिए अपना, धन्यवाद, धन्यवाद दोस्तों।